नमस्ते बच्चों, सी एल ईज के सीबीएसई स्कूल चिक्कोड़ी कक्षा 8वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक और स्वस्थ हैं। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में भारत की खोज पाठ्यपुस्तक से हम पढ़ने जा रहे हैं अतीत का दबाव। पिछली कक्षा में हमने अतीत के भार, अहमदनगर किला इस्पात से अतीत के भार के बारे में हमने देखा। तो इस पिछली कक्षा में जो अतीत का भार था, उसमें नेहरू जी कहते हैं कि वो अपने इतिहास को बिना सोचे कैसे लिख सकते हैं। वो इस समय का इंतज़ार कर रहे थे कि कब इस जेल से उनको निकाला जाए, और इस तरीके से वो किले से बाहर आने के बाद अपने जो अनुभव हैं वो अनुभव क्या करना चाहते, वो इस पुस्तक के माध्यम से लिखना चाहते थे। तो अतीत का दबाव, देखिए बच्चों, दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दमघोटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। देखिए यहाँ पर दबाव, दबाव का अर्थ क्या होता है बच्चों? दबाव यानी कि एक तरह का प्रेशर। दबाव हमारे ऊपर तभी कोई बनाता है जब हम किसी के अंडर रहते हैं, है ना? तो वो दबाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। अभिभूत करना यानी कि वश में करना। जैसे कि हमारे पेरेंट का दबाव होता है, वो कैसा होता है बच्चों? वो हमारी भलाई के लिए होता है, अच्छा होता है। वो हमें स्टडी के लिए दबाव डालते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके प्रेशर में आकर अच्छी स्टडी करते हैं, है ना? तो ये दबाव जो होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। लेकिन कभी कभी जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है, वो अलग होता है ना, वो बुरा होता है। वो कैसा होता है? जब हम किसी दूसरे लोगों के अंडर में रहते हो तो वो दबाव जो होता है वो बुरा होता है ना? क्योंकि हर तरीके का दबाव यानी कि प्रेशर जो होता है ना, वो हमारे ऊपर पड़ता रहता है। चाहे उनकी उनके काम का प्रेशर हो, चाहे उनके गालियाँ हो, वो सब जो भी हो, है ना, वो प्रभाव कैसा रहता है, वो दबाव कैसा रहता है, वो बुरा रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो दबाव के दो तरीके हैं, एक अच्छा और बुरा, मगर दोनों तरीके से वो हमें क्या करता है, अपने वश में कर लेता है। एक भलाई के लिए और दूसरा है एक जबरदस्ती से उस दबाव को हम झेलते हैं, ठीक है, समझ में आया? दबाव अच्छा हो या बुरा हो दोनों तरीके से वो हमें क्या करता है, हमें अपने अंडर कर लेता है, हमें वश में कर लेता है। कभी कभी यह दबाव दमघोटू होता है। दमघोटू होता है यानी कि हमारा दम घुटता है। इस दबाव के अंडर जब हम रहते हैं तो इस प्रेशर के अंदर जब हम रहते हैं तो हमारा दम घुटता है, डिस्परेट करने वाला होता है ना? हम डिप्रेशन में जाते हैं, यह अच्छा नहीं होता। मतलब वो कौन सी सभ्यताओं से है? चीन और भारत सभ्यता से रहे तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा प्रभावपूर्ण होता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं से हैं। पुरानी सभ्यताओं से यानी कि क्या होते हैं, पुरानी जो संस्कृति है, जो धर्म है, परंपरा है, जो लोग आज भी फॉलो करते रहे हैं, ऐसी परंपराओं को अगर ठेस पहुंचती है तो उनका मन तो विचलित होता ही है ना? तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि भारत और चीन की जो सभ्यताएं हैं, क्योंकि हमारा जो इतिहास है बहुत ही उलझनों भरा है, हमारे भारत में अलग अलग धर्म हैं, जाति हैं, परंपराएं हैं, और कुछ लोग आज भी उन परंपराओं को, जाति धर्म को फॉलो करते हैं। अगर ऐसी सभ्यताओं को अगर हम ठेस पहुंचाते हैं तो जो हमारे पूर्वज हैं यानी कि हमारे दादा दादी हैं, उनका मन तो विचलित होगा ही है। तो लेखक ऐसे के इसके माध्यम से कहते कि अगर हम भारत और चीन की सभ्यता देखें तो उसका जो जड़ है वो बहुत मजबूत है, बहुत पुराना है। इसीलिए ये इसका जब हम दबाव लेते हैं
तो वो दम घोटू साबित होता है, हम डिप्रेशन में जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, क्या उन सबका जिसे मानवता ने दसियों हजारों सालों के दौरान हासिल किया है, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिसकी शुरुआत युगों से हुई और जो अब भी जारी हैं और हमें आकर्षित करती हैं। तो विरासत यानी कि पूर्वजों से मिलने वाली, चाहे वो धन दौलत हो, धर्म सरकुल संस्कृति हो, सभ्यता हो, ये सब हमें कहाँ से मिलती हैं, विरासत में मिलती हैं। तो लेखक क्या कहते हैं यहाँ पर, आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले हम हमारी बात करते हैं। पहली बात, अपने आप से शुरुआत करें तो मैं कौन हूँ, आखिर मेरी विरासत क्या है, मुझे विरासत में क्या मिला है, हमारे पुरखों ने विरासत में क्या दिया है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ। समझ में आ रहा है बच्चों, अपने आप से शुरुआत करते हैं, मैं कौन हूँ, आखिर मेरी विरासत क्या है, यानी कि मुझे अपने दादा यानी कि हमारे पुरखों से मुझे क्या मिला है, धन दौलत हो, संस्कृति हो, सभ्यता हो, परंपराएं हो, वो भी हमें विरासत में ही मिलती हैं, है ना। तो लेखक भी ऐसा ही सोचते हैं कि मेरी विरासत क्या है, मुझे मेरे पुरखों से क्या मिला है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, यानी हमारे इतिहास ने हमें किन बातों के लिए चुना है। मतलब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हमारे इतिहास में हमारे जो देश ने विजय प्राप्त कर ली है उसकी खुशियाँ मनाऊं, या पराजय प्राप्त किया है उसका दुख मनाऊं। समझ में आ रहा है बच्चों, लेखक कहते हैं यानी कि पंडित नेहरू कहते हैं कि मुझे जो विरासत में मिला है, ये जो विरासत है, मैं क्या मैं सचमुच इसका उत्तराधिकारी हूँ, जो हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पूर्वजों की जो मानवता है उसने दसियों हजारों सालों से कुछ प्राप्त किया है, चाहे वो विजय का उल्लास हो, चाहे वो दुख पराजय का दुख हो, या हमारे पुरखों ने ऐसे कुछ काम किए हैं, यानी कि मैं उनका भी साक्षी हूँ, हमारे इस देश के मानव ने ऐसे कुछ कार्य किए हैं जो सोचे भी नहीं जा सकते, ऐसे कार्य जो युगों से शुरू हुए हैं और अब भी जारी हैं, यानी कि हमारी जो परंपराएं हैं, धर्म हैं, जाति हैं, वो अब भी जारी हैं, जिससे आज भी हमें आकर्षित करती हैं। समझ में आ रहा है, आज भी ऐसी परंपराएं चलती आ रही हैं जो हमें विचलित करती हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बात होती हैं जो हमें उसकी तरफ आकर्षित करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि मैं इन सब का वारिस हूँ। समझ में आ रहा है, साथ ही उन सबका भी जिसमें पूरे मानव जाति की साझेदारी है। इसके साथ लेखक कहते हैं कि पूरी मानव जाति की साझेदारी का वारिस हूँ, मतलब सभी तरह के धर्म परंपराएं, जातियाँ, वो सब मुझे विरासत के रूप में मिली हैं और मैं इन सभी चीज़ों का हिस्सेदार हूँ, वारिसदार हूँ। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। देखिए यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं, हम भारतवासियों को विरासत में खास बात मिली है। विरासत यानी कि क्या बोला मैंने, धन दौलत, धर्म संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, ठीक है, ये हमें पुरखों से यानी कि दादाजी, उनके परदादाजी जो होते हैं उनसे मिलती आई हुई है, और ये अनोखी नहीं है क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अब देखते हो आपके घर में, आप घर में हो अभी, है ना, आप घर में देखो, सभी की तरफ देखो, क्या आप एक दूसरे से अलग हो, हाँ, किसी को नाक नहीं है, किसी को आँख नहीं है, ऐसा है क्या, सभी को एक जैसी आँखें होती हैं, एक जैसी नाक होती है, एक जैसे हाथ होते हैं, पाँव होते हैं, क्या आप अलग हो क्या, नहीं। हम अगर हमारा चेहरे का रंग अलग हो सकता है, हाँ, स्किन अलग हो सकता है, लेकिन
हम एकदम एक जैसे हैं। अलबत्ता एक बात हम लोगों में विशेष रूप से है, लेखक क्या कह रहे हैं, अलबत्ता एक बात यानी कि हम सब में एक बात विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त मांस और अस्थियां में समाई है। लेखक यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो विशिष्ट विरासत मिला है हमें, यानी कि रक्त मांस और अस्थियां, यानी कि हड्डियां, खून मांस और हड्डियां जो है वो हमें एक जैसी मिली हैं, और इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप भी बनेगा। लेखक क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो विशिष्ट रूप से हमें विरासत में मिला है वो है खून मांस और अस्थियां। इसी को हम क्या करेंगे, बेस मानेंगे, और हमारी सारी जो चीज़ें हैं वो हम डिसाइड करेंगे, ना कि हम धर्म जाति और परंपराओं को मानेंगे। हम सब तो एक ही हैं, क्योंकि हम सबका जो खून है वो लाल ही है, हम सबकी जो हड्डियां हैं वो सफ़ेद ही हैं, समझ में आ रहा है। तो इन्हीं को, यानी कि हमारा खून लाल है, मानने के लेखक कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर क्या मानेंगे, मानवता, समझ में आ रहा है बच्चों। मानवता को बेस में रखकर हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, और विरासत में वही हमें मिला है। आगे देखिए बच्चों, इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हैं। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती हैं। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। लेखक यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इन सब में मैं ऊपर ऊपर ही तलाश कर लिख सकता हूँ, इसके डीप में मैं नहीं जा सकता, क्योंकि इस विशिष्ट विरासत में, यानी कि मानवता जैसी विशिष्ट विरासत में मुझे मिली, जो विरासत मुझे मिली है, जो मानवता की विरासत मुझे मिली है, मैं इसे लागू करना चाहता हूँ। एक लंबे समय से, लंबे अरसे से, यानी कि लंबे समय से ये जो मानवता वाली मेरे बात है, जो मेरे मन में घर किए बैठी है, उसे मैं लिखना चाहता हूँ। लेकिन विषय इतना कठिन है, इतना जटिल है, हाँ, वो मुझे भयभीत कर रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसके मैं डीप में नहीं जा सकता, इसके सतह यानी कि ऊपरी भाग में ही मैं इसको, ऊपरी भाग का ही मैं इसको लिख सकता हूँ, समझ में आ रहा है। लेखक के दबाव क्या है, लेखक को दबाव है संस्कृति परंपरा जो इतिहास से घटती हुई आ रही है और वर्तमान में आज भी चल रही है, जो कि संस्कृति हो, सभ्यता हो, परंपरा हो, इसके दबाव में लेखक है, और ये उन्हें विरासत में मिला है। लेकिन लेखक क्या कहते हैं, विरासत में मुझे क्या मिला है, कि मुझे मिला है रक्त मांस और हस्तियाँ हड्डियाँ, जो सभी मनुष्य में एक जैसी हैं, यानी कि मनुष्य की जो मानवता है वो मुझे मिली है, लेकिन ये मानवता के ऊपर मैं लिखना चाहता हूँ, लेकिन इसके डीप में मैं नहीं जा सकता। मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ इसके ऊपरी भाग को स्पर्श कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, अतीत का दबाव, यह जो पाठ है यह यहीं पर ख़त्म होता है। तो लेखक को दबाव यानी कि क्या, जो प्रेशर है, किस प्रकार का प्रेशर है, यह आपके समझ में आया ही होगा। तो ये जो विरासत में जो मिली चीज़ होती है, यानी कि जो धर्म हो, संस्कृति हो, धन हो, दौलत हो, है ना, ऐसी चीज़ जो हमें विरासत में मिलती है, इसी के कारण क्या होता है, लोगों के मन में भेदभाव शुरू हो जाता है। और इसी भेदभाव को देखते ही लेखक क्या कहते हैं कि ये अलग है, संस्कृति सभ्यता वो अलग है, लेकिन हमारे मन में मानवता भी है, और इसी को मैं सोच कर इसको मैं लिखना चाहता हूँ, इसकी जटिलता सुलझाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसके डीप में नहीं जा सकता। इसकी सतह, ये सतह यानी कि ऊपरी भाग, ज़मीन का ऊपरी भाग, सरफेस बोलते हैं, देखो हम सिर्फ उसके ऊपरे भाग को ही मैं क्या कर सकता हूँ, स्पर्श कर सकता हूँ, यानी कि मैं उसको उसके ऊपरे भाग पर ही मैं लिख सकता हूँ, ना ही मैं इसके डीप में जा सकता हूँ। ठीक है बच्चों, अतीत का दबाव, यह पाठ यहीं पर ख़त्म होता है।
अगले क्लास में हम एक नए पाठ के साथ आएंगे। धन्यवाद।